हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वेक्टर एडिशन और वेक्टर के सब्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं। जैसे कि हमें ट्रायंगल्स लॉ हमें मालूम है वेक्टर एडिशंस के लिए। दो वेक्टर्स है, नेमली एज वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों के डायरेक्शंस आप नोटिस कर सकते हो। डायरेक्शन है ओ से लेकर ए तक, और जहां पर एंड हो रहा है ए वेक्टर, वहां से बी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। ओके लाइक, तो ये दोनों का अगर हम एडिशन कर दे तो यहाँ पर डायरेक्शन हमें देखना है कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी वो अपोजिट आने वाली है। जैसे कि ये क्लोज लूप नहीं होना चाहिए। जैसे कि ओ से लेकर ए है, ए वेक्टर्स ए से लेकर बी तक जो है हमारा बी वेक्टर्स है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो बी से लेकर ओ तक आएगा, और ये डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर देते तो ये जो ट्रायंगल्स लॉ है वो वैलिड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि अपोजिट अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। जो भी रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा उसकी डायरेक्शंस दोनों वेक्टर के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हमें करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमें जब एडिशन करते हैं तो वहां पर हमें दो क्वांटिटी वहां पर डिराइव करनी होती है। एक तो हमें ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है, या उसके बाद में हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि वेक्टर ए जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ओके, और वेक्टर बी जो है वो अलाइन है विथ रिस्पेक्ट टू द वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के डायरेक्शंस और वेक्टर बी के डायरेक्शन में कितना थीटा एंगल्स वहां पर है वो एंगल थीटा भी हम डिटरमाइन करते हैं। तो चलो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर एडिशन में। जब भी हमें वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है, तो जैसे यही वही पुराने डायग्राम से, तो कोई भी एक वेक्टर को हमें एक्सटेंड करना होता है। एक वेक्टर को, जैसे कि ए वेक्टर को हम अभी एक्सटेंड कर देंगे, और अनदर वेक्टर यानी कि बी वेक्टर से हमें क्या होगा, परपेंडिकुलर वहां पर ड्रॉ करना होगा। कोई भी एक वेक्टर आप एक्सटेंड कर दो और अनदर वेक्टर से उस एक्सटेंडेड लाइन पे आप परपेंडिकुलर्स वहां पर इंसर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर ए से एन तक ए वेक्टर मैंने एक्सटेंड कर दिया, और अनदर वेक्टर यानी कि बी वेक्टर से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमें यहाँ पर अभी ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल ए बी और एन। तो यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज जो स्टूडेंट को होनी चाहिए ट्रायंगल्स लॉ की। ओके, देखो ट्रायंगल जो होता है 90 डिग्री का, अगर ट्रायंगल वहां पर है तो यहाँ इसे हम बेस भी बोल सकते हैं या एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं। ओके, और ये जो ये हाइट होती है लाइक दैट्स, और ये जो होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर ए की तरफ से अगर हमें कुछ साइन कॉस और टैन का एंगल अगर निकालना हो, तो देखो ए की अपोज में कौन सी साइड आ रही है, ये ए वाली, तो इसको हम बोल देंगे अपोजिट साइड। तो यहाँ पर दिखा है अपोजिट साइड्स, और ए को इमिजिएटली जो नेबरिंग साइड है जिसे हम एडजेसेंट बोलते हैं मैथमेटिकल्स लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगी सी एडजेसेंट। और ऑब्वियसली ये जो बी स्मॉल बी साइड यहाँ पर दी है, तो ये हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें तीन फॉर्मूले बेसिकली मालूम होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस और टैन। साइन ए अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, तो ए अपॉन सी हो जाएगा। ओके, अगर कॉस ए अगर निकालना हो तो कैसे होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि सी डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा। और टैन ए अगर निकालना हो तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि ए डिवाइडेड बाय सी हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हमें ये ट्रिग्नोमेट्री मालूम होनी चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ पर यही वही ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई किया हुआ। यहाँ पर हमें जो ये एंगल थीटा यहाँ पर निकालना है, तो ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड जो है वो ए एन है, और हाइपोटेनियस इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो देखो ये जो वेक्टर बी है ये हो गया हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा हमें मिलता है ए एन डिवाइडेड बाय बी। तो इस फॉर्मूले से हमें ए एन की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है कि ए एन कितना है, तो हेंस ए एन इज नथिंग बट द बी कॉस थीटा। ये बी की वैल्यू अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर कर देते तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। बाद में सिमिलरली अगर हम साइन थीटा उसी एंगल से अगर साइन थीटा अगर निकालते हैं, तो साइन का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन के अपोजिट कौन सी साइड है, तो यहाँ पर बी एन है और हाइपोटेनियस एज यूजुअल बी वेक्टर्स। ओके, सो बी एन डिवाइडेड बाय बी। सो ऑब्वियसली ये इस फॉर्मूले से हमें बी एन की वैल्यू मिल जाती है, तो बी एन की वैल्यू हमें मिलती है बी साइन थीटा। तो ए एन और बी एन ये दोनों की वैल्यू हमें जो हमें एक्सटेंड किया है और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था उसकी वैल्यू हमने सिंपल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्रिक से हमने निकाल ली है। ओके, बाद में देखो कि अगर ये एक्सटेंडेड वाला ट्रायंगल को हम
जो अपना ओरिजिनल पुराना ट्रायंगल था उसमें अगर ऐड कर देते हैं तो देखो यहाँ पर एक बड़ा वाला ट्रायंगल्स वहां पर आपको दिख रहा है जिसका हम नाम यहाँ पर दिया है ओ बी और एन, ओ बी और एन। तो ओ बी एन जो है इस पे अगर हम पाइथागोरस अगर ड्रॉ कर देते हैं तो पाइथागोरस का कैसा है कि पाइथागोरस में हमें फॉर्मूला मिल जाता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस तो इस ट्रायंगल का 90 के ऑपोजिट जो है वो हाइपोटेनियस, यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर की सम करना है। तो साइड्स कौन से हो गई, ये बेस वाली एक साइड होगी ओ से लेकर एन तक और एक हाइट वाली साइड होगी बी से लेकर एन तक, ये दोनों का हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया एज पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ओबी जो है तो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है रिजल्टेंट कैपिटल आर, तो उसका आर का स्क्वायर हो जाएगा। और ओ एन तो ओ एन वैल्यू आप देख सकते हो ओ से लेकर ए तक, ए जो है इसको हमने ए वेक्टर से इंडिकेट किया है और ए से लेकर एन तक जो वैल्यू अभी हमने फर्स्ट निकाली थी तो ए एन की वैल्यू हमें मिल गई थी बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ओबी की वैल्यू रिजल्टेंट प्लेस कर दी है, ओ एन स्क्वायर की वैल्यू हमने ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे पुट कर दी है, और बी एन तो बी एन हमें मिला था बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें फॉर्मूला मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का फिर से अगेन। ओके सो ए प्लस बी तो ए जो है ये फर्स्ट टर्म से और यहाँ पर बी कॉस थीटा ये सेकंड टर्म से, अगर दो टर्म्स का एडिशन का होल स्क्वायर अगर है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, तो ऐसा ये फॉर्मूला होता है। तो इसका स्प्लिटिंग अभी ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी कॉस थीटा, और यहाँ पर सेपरेट कर दिया ये जो स्क्वायर है ये बी को लगा दिया और साइन को भी लगा दिया बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में होती है वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो वन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें आर स्क्वायर की वैल्यू जो मिलती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी कॉस थीटा यहाँ पर मिलती है। अगर हम आर की वैल्यू हमें निकालनी है तो स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड में, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलती है जिसे हम रिजल्टेंट बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द एडिशन। इन दोनों वेक्टर का एडिशन करने के बाद जो मैग्नीट्यूड मिलता है आर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ओके चलो डायरेक्शंस के बारे में देखते हैं, मैग्नीट्यूड निकल गया डायरेक्शंस, क्योंकि वेक्टर के बारे में हम अभी स्टडी करते हैं। वेक्टर कौन से क्वांटिटी होती है जिसे डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। सो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शंस यानी कि क्या कि ये जो ए वेक्टर से ये स्ट्रेट फॉर्म में था और ये बी वेक्टर्स उससे बाय सम एंगल इंक्लाइन हो गया, तो ये एंगल हमें निकालना होता है। तो अभी देखो ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर ये दोनों में कौन सा डायरेक्शंस बन रहा है, तो एंगल अल्फा हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो एंगल अल्फा अगर निकालना हो तो एंगल अल्फा हम टैन ऑफ अल्फा यहाँ पर निकाल देंगे। ओके क्योंकि हमें डायरेक्शंस निकालनी है। ओके सो टैन अल्फा तो टैन का फॉर्मूला क्या था ट्रायंगल लॉ में, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर ओ डायरेक्शन से अपोजिट अगर साइड देखते हैं तो ओ अपोजिट साइड आ जाएगी बी एन, तो इसलिए यहाँ पर बी एन है, और एडजेसेंट साइड हो जाएगी ओ एन, तो ओ एन। तो बी एन एज इट इज एज यूजल यहाँ पर हमें लिखा है, तो बी एन की वैल्यू हमें मालूम है बी साइन थीटा। ओ एन जो है ओ एन हमें स्प्लिट कर दिया है ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा, सो ओ ए से लेकर जो है वो ए वेक्टर इंडिकेट किया है, ओ ए से जो है वो ए वेक्टर इंडिकेट किया है, और ए से एन तक ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है ए एन की बी कॉस थीटा, तो ए एन की वैल्यू बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने होंगे, एक तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आर इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और नेक्स्ट आ जाएगा टैन अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शंस के बारे में अगर देखते हैं तो एक्चुअली हम सब्ट्रैक्शंस नहीं करते हैं, एक्चुअली हम एडिशन ही करते हैं। ओके तो जैसे कि हमने देखा है कि अगर सब्ट्रैक्शंस करनी हो तो सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे, तो ए वेक्टर पॉजिटिव है तो बी वेक्टर को हम क्या कर देंगे निगेटिव कर देंगे और उनका एडिशन कर देंगे। निगेटिव बी वेक्टर और पॉजिटिव ए वेक्टर इन दोनों का एडिशन
नथिंग बट हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं एज पर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, क्योंकि प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस। तो एज पर द फिजिक्स, अगर किसी पॉजिटिव वेक्टर को, अगर नेगेटिव वेक्टर आपको बनाना है तो क्या करना होता है, सिंपली उसका डायरेक्शन क्या है, 180 डिग्री से हम रोटेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए प्लस बी, इनका जो एडिशन हमने लास्ट में किया था, लास्ट डायरेक्शन में किया था, तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये हमें मिला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर अभी देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव बी है, तो ये दोनों का एडिशन था, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये फॉर्मूला यहाँ से मिला था। ओके, अभी हम बी वेक्टर को क्या करने वाले हैं, निगेटिव बनाने वाले हैं। तो बी वेक्टर को अगर निगेटिव बनाते हैं, यानी कि उसका 180 डायरेक्शंस में हम रोटेट कर देंगे, तो बी वेक्टर यहाँ पर निगेटिव हो गया है। तो ये जो फॉर्मूला था, तो ये इस ए और बी वेक्टर के एडिशन में था रिजल्टेंट ए प्लस बी। अभी हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए तो पॉजिटिव है लेकिन बी वेक्टर को हमने निगेटिव कर दिया, ये इन दोनों वेक्टर की हमें एडिशन करनी है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो ये टोटल जो एंगल है, ये 180 का एंगल है, उसमें से ये जो पोर्शन से जिसको हमने थीटा से इंडिकेट किया है, ये पोर्शन अभी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो 180 माइनस थीटा, सो 180 माइनस थीटा, तो ये पोर्शन हो जाएगा लाइक दैट्स। ओके, सो सिंपली हमें ये याद रखना है कि थीटा को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन यहाँ पर हो जाएगी डिफरेंस सब्ट्रैक्शंस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा, थीटा इज रिप्लेस बाय द 180 माइनस थीटा। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि कंप्लीट पोर्शंस 180 का है, उसमें से ये वैल्यू तो है सम वाली वैल्यू थी, अभी हमें ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन करना है। तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, तो हम इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पोर्शन कैसे आएगा, 180 से अगर थीटा माइनस कर दो तो ये पोर्शन हमें मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हमने ये कर दिया है। और उसके बाद में हमें ये मालूम है कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसलिए ये जो वैल्यू ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगी और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला मॉडिफाइड होके हमें मिलता है, अगर सब्ट्रैक्शन हम कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा से माइनस कॉस थीटा से प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बाद में लास्ट वीडियो में हमने एडिशन डायरेक्शंस कैसे निकाली थी, तो जो भी रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए कैसे निकाली थी, सो बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अभी हमें मालूम हो गया कि थीटा इज रिप्लेस बाय द 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया 180 माइनस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा को भी रिप्लेस कर दिया 180 माइनस थीटा। ओके, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये मैथमेटिक्स में आपका वो ये कवर हो चुका होगा। ओके, और ये वैसे भी 10th स्टैंडर्ड में भी आपका ये फॉर्मूला हो चुका है। सो टेन अल्फा टू हमें मिल जाएगा बी साइन थीटा, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, और नीचे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस हो जाएगा। सो टेन अल्फा टू यहाँ पर हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। सो ये हो गया सब्ट्रैक्शंस। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप एस अकेडमी नासिक यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो।